नमस्कार। आने वाली 20 अप्रैल के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण का समय सुबह 7:05 से लेकर 12:29 तक है। यह सीधा भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि भारत के करीबी देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया व अन्य आसपास के देशों में दिखेगा। ग्रहण विज्ञान के अनुसार एक खगोलीय घटना है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य ढकने लगता है, उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन हम धार्मिक नजरिए से देखें तो ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य किया नहीं जाता है। यदि आप गर्भवती हैं, तो आपको और ज्यादा ग्रहण काल में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि ग्रहण काल में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, भारत में सूतक काल लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको सूर्य ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात, यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी नहीं लगेगा। 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान राहु सूर्य को ग्रसित कर लेता है। सूर्य की किरणों में राहु का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, जो हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। वैज्ञानिक कारण अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन, हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे डीएनए तक को प्रभावित करती है। इसीलिए गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा हेतु गर्भवती को सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना है। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देने वाला है, लेकिन आपको फिर भी यह सभी सावधानियां रखनी है। इसीलिए प्राचीन काल से मान्यता है, हमारे बड़े लोग बुजुर्ग हमें कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर में ही रहना चाहिए, ताकि सूर्य की हानिकारक किरणें गर्भ में ना पहुंच सके, गर्भ भी सुरक्षित रहे। तो आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को रामायण या फिर अन्य किसी धार्मिक ग्रंथ, सूर्य चालीसा मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु को सकारात्मकता मिलती है। मान्यता ऐसे भी है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुश के आसन पर बैठना या लेटना चाहिए। कुश को नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने वाला माना जाता है। ग्रहण के सूतक काल शुरू होने से लेकर ग्रहण के खत्म होने तक गर्भवती महिलाओं को तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको भूख लगती है तो आप दूध पी सकती है, फल का सेवन कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाया हुआ भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान महिला को बिस्तर पर सीधा होकर लेट जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह की धारदार चीजों को छूने से भी मनाही होती है। ग्रहण के समय चाकू, कैंची जैसी धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी नुकीली चीज जैसे कि सुई आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, काटना या छीलने जैसे कार्य नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ऐसा करने से बच्चे को अंगों में क्षति पहुंच सकती है। ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाओं को आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय में उत्सर्जित होने वाली नकारात्मक ऊर्जा गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। यह सभी बातों का ध्यान रख के आप अपने बेबी की रक्षा कर सकते हैं। आपको ग्रहण काल में सूर्य देव से प्रार्थना करनी है, सूर्य देव का मंत्र चेंटिंग करना है। यदि आप सूर्य देव का मंत्र चेंटिंग करना चाहती है तो मुझे कमेंट में बताइए। तद उपरांत आपका मन डाइवर्ट ना हो, आपको बार बार कोई विचार ना आए ग्रहण के बारे में, उसके लिए आपको अपने बेबी के अच्छे विकास के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक्टिविटी करनी है। गर्भ संस्कार की एक्टिविटी भी साथ साथ आप कर सकती है। आपको प्रॉपर रीडिंग तो करना ही है, साथ साथ आप ब्रेन एक्टिविटी करनी है, मोरल स्टोरीज पढ़ना है, आप मंत्र चेंटिंग भी करना है, एफिर्मेशन करना है, आप गर्भ संवाद भी कर सकती है। यह सारी एक्टिविटी भी आप कर सकती है। यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको कोई भी और प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकती है। और हाँ, यदि आपको इजीली गर्भ संस्कार के बारे में सभी डिटेल्स चाहिए तो वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड भी कर सकती है। धन्यवाद।